जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम जानेंगे जेरेक्स सॉफ्ट लाइसेंस के बारे में। आप अगर जेरेक्स सॉफ्ट या बिजनेस ओपन करना चाहते हैं और आप ओपन किए हैं तो आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, इस वीडियो में पूरा लाइसेंस और उसका डिटेल्स बताऊंगा। जेरेक्स शॉप के लिए आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस और लेबर लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस लगता है। अब हम जान लेते हैं इन सभी लाइसेंस के डिटेल्स के बारे में। नंबर 1 पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहते हैं जेरेक्स शॉप या बिजनेस ओपन करने के लिए तो आपको ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर आपका जेरेक्स शॉप के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो अप्लाई फीस है 1000 1000 रुपया हम लेते हैं अप्लाई का। नंबर 2 पर आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपको क्वालिटी मैनेजमेंट से मिलता है। आपका जेरोक्स शॉप में जो आप जेरोक्स या फिर जो से भी मटेरियल बेचते हैं वो अच्छा क्वालिटी का है बोलकर आपको ये क्वालिटी मैनेजमेंट से आईएसओ सर्टिफिकेट मिलता है। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। 3 साल का जो प्राइस है 3000 3000 रुपया लगता है। नंबर 3 पर आते हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में। ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ लाइसेंस है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में जेरोक्स शॉप या बिजनेस ओपन नहीं कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लाइसेंस होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट से, और ये ट्रेड लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट से इशू होता है। ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है, और इसका जो प्राइस है प्राइस भी स्टेट वाइज लगता है। नंबर 4 पर आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो जेरोक्स शॉप या बिजनेस पर जो लेबर काम करते हैं इनके लिए ये लेबर लाइसेंस होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका जेरोक्स शॉप या बिजनेस पर लेबर नहीं रख सकते हैं। लेबर लाइसेंस कंपलसरी लाइसेंस होता है। आप अगर आपका बिजनेस या शॉप पर लेबर या स्टाफ रखे हैं इसके लिए लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट वाइज ये वैलिडिटी रहता है, और इसका प्राइस भी स्टेट वाइज प्राइस और नंबर ऑफ लेबर वाइज प्राइस लगता है। अब हम जान लेते हैं इन सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इन सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आप जिसके नाम पर ये सर्टिफिकेट करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, उनका अगर खुद का प्रॉपर्टी में
शॉप या बिजनेस ओपन किए हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल, जीपीए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन तीनों में से जो सभी एक डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर उनका शॉप या बिजनेस रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। आपका ये लाइसेंस 1 से लेकर 5 दिन के अंदर मिल जाता है। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट और लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आपको भी अगर आपका जेरॉक्स शॉप के लिए लाइसेंस करना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा टीम आपको बहुत जल्द रेस्पॉन्स करेगा। जेरॉक्स बिजनेस या शॉप लाइसेंस के अलावा हम चिकन मटन शॉप लाइसेंस, क्लॉथिंग शॉप लाइसेंस, ऑल ओवर इंडिया का ऑल बिजनेस का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी वो करना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे टीम से बात कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस रिगार्डिंग वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।